रामगढ़ उपचुनाव को लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। एनडीए गठबंधन प्रत्याशी सुनीता चौधरी को लेकर भाजपा और आजसू के कार्यकर्ता लगातार रैलियां किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कोयरी टोला में भी पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि भाजपा के और आजसू के कई कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहे। इस दौरान दिलीप दांगी ने भी कहा कि हम लोगों को यह पूरा भरोसा है कि आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी भारी से भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगी। उन्होंने बताया कि जहां से भी सुनीता चौधरी की यात्रा निकल रही है, हजारों की भीड़ में लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। पद यात्रा के दौरान आजसू के जिला अध्यक्ष दिलीप दांगी से हमारे प्रतिनिधि जयंत कुमार ने बातचीत की, वह आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। पद यात्रा जो चल रहा है आज रामगढ़ विधानसभा के अंतर्गत वार्ड नंबर 4 में पद यात्रा चल रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आजसू पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह के साथ अपने प्रत्याशी को घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रत्याशी के वार्ड नंबर 4 में दौरा प्रारंभ हुआ है, वार्ड नंबर 4 के आम जनता जिस प्रकार से प्रत्याशी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ये निश्चित रूप से ये परिचायक बन रहा है कि पूरे रामगढ़ विधानसभा बदलाव के मूड में है। आपके साथ साथ विकलांग लोग, बुजुर्ग लोग मिल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? निश्चित रूप से जब युवाओं का ताकत और बुजुर्गों का अनुभव दोनों का समावेश होता है तो निश्चित रूप से वो परिवर्तन का कारण बनता है। और आप देख रहे हैं कि नौजवानों का जोश, नौजवानों का ताकत और बुजुर्गों का जिस प्रकार से साथ हम लोगों को मिल रहा है, तो यह प्रतीत हो रहा है कि रामगढ़ विधानसभा की जनता पूरे बदलाव के मूड में है। ये